नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में भारत के पहले उप पंतप्रधान और पहले गृह मंत्री लोह पुरुष श्री सरदार पटेल जी के पैतृक घर को हम भेंट देंगे, जिस घर में सरदार पटेल ने अपना बचपन गुजारा, जहां सरदार पटेल अपने 5 भाई बहनों के साथ बड़े हुए। आज मैं आपको घर पर ले चलता हूँ। भारत में सरदार पटेल जी की पहचान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति सरदार पटेल जी के बारे में जानता है, सरदार पटेल जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में जानता है। सरदार पटेल गुजरात के खेड़ा जिले के पश्चिमी भारतीय शहर करमसाद के लाड़बा और झवेरीबाई पटेल के 6 संतानों में से एक। सरदार पटेल का जन्म 1875 में उनके माता के पैतृक घर नडियाड में हुआ। उनके जन्म की तारीख कहीं दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन हर साल 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सरदार पटेल जी ने अपना बचपन करमसद में ही बिताया और अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी करमसद में ही प्राप्त की। तो चलिए दोस्तों, सरदार पटेल के घर सरदार हाउस को देखते हैं। सरदार पटेल का पैतृक घर गुजरात के आनंद जिले के करमसद शहर में स्थित है। करमसद में सरदार पटेल के जीवन के विस्तृत पहलू और भारत को एकजुट करने में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देने के लिए एक सरदार पटेल और विट्ठलभाई पटेल मेमोरियल बनाया गया है। संग्रहालय की हर ईंट भारत के प्रति आस्था रखने के साथ उनके महान नेतृत्व की कहानी बयां करती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया स्मारक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्मारकों में से एक है। सरदार पटेल और विट्ठलभाई पटेल मेमोरियल से 1 किलोमीटर की दूरी पर सरदार हाउस है। पहली नज़र में आप पाओगे कि घर को अच्छी तरह से बनाए रखा है और उसे देख के आपको इस ऐतिहासिक स्थल पर जाने की इच्छा होगी। घर को अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें ये घर पुराने ज़माने के एक आम घर की तरह लगेगा। घर के आंगन में प्रवेश करने के लिए आपको एक बड़े दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। आंगन में जाने के बाद आपको छोटे छोटे कमरे दिखाई देंगे। ये वही घर है जहाँ रहकर सरदार पटेल जी ने 3री कक्षा तक की पढ़ाई की और अपने 5 भाई बहनों के साथ यहाँ बड़े हुए हैं। अब इन कमरों को सरदार पटेल के पत्रों और ऐतिहासिक दुर्लभ चित्रों से सजाया गया है। ये दुर्लभ ऐतिहासिक तस्वीरें सरदार पटेल द्वारा स्वतंत्र संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता के बाद गृह मंत्री के रूप में उनके काम का वर्णन करती है और कैसे उन्होंने देश को एकजुट किया, सभी रियासतों को एक एक करके भारत में विलीन किया, यह दर्शाती है। सरदार हाउस में पर्यटकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई ऑडियो वीडियो रूम है, जहां आप एक समृद्ध फोटो गैलरी और एक वृत्तचित्र फिल्म देख सकते हैं, जहां आप सरदार पटेल जी के गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में दिए गए भाषण सुन सकते हैं। गुजरात सरकार ने 2016 और 17 के दौरान पर्यटक सर्किट विकास कार्यक्रम के तहत सदन के बाहरी क्षेत्र का नवीनीकरण किया है। घर के बाहर के रास्ते के दूसरे बाजू पर विट्ठलभाई पटेल और सरदारभाई पटेल के पुतले लगे हुए हैं। सरदार पटेल जी के इस घर को भेंट देकर और उनके कार्यों के बारे में जानकर मैं अपने आप को प्रसन्नित महसूस कर रहा हूँ। मित्रों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।